स्वागत है आपका जेटी की ऑनलाइन क्लासेस में। और आज का हमारा क्लास है एमएस पावर पॉइंट में होम टैब में है ड्राइंग ग्रुप। तो चलिए देखते हैं ड्राइंग ग्रुप का क्या यूज होता है। तो कल हम आप लोगों को कुछ बताए थे, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को क्या स्लाइड के बारे में, और आज हमें देखना है ड्राइंग के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम आप लोगों को कुछ प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हैं कि प्रेजेंटेशन कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। आप लोगों को प्रेजेंटेशन हम दिखाए थे क्या कभी? नहीं। नहीं दिखाए थे। चलिए ठीक है, आज देख लीजिए आप। ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन हमने बना के रखा है। ठीक है, आप लोग को ये इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप लोग इसको देख लोगे तो थोड़ा सा आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि हमें प्रेजेंटेशन तैयार कैसे करना है। जैसे यहाँ पे हमने कुछ सिंपल, बहुत ही सिंपल प्रेजेंटेशन बनाया है कुछ टॉपिक्स नोट्स वगैरह लेके। ठीक है, कोर्सेज के बारे में, तो आप लोग को ये देख लीजिए। यहाँ पे हम इसको करेंगे F5 और ये पूरा इस तरह से ऊपर निकलेगा। ठीक है, एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है जो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हमने एनिमेशन वगैरह सारा किया है, लेकिन अभी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी है, ये अपने आप ऐसे दिखा रहा है। ठीक है, तो ये देखिए, जैसे हमें अपने कोर्सेज के बारे में अगर समझाना है तो यहाँ पे हम अपने स्लाइड को रोक के समझा। कुछ इस तरह का आप लोग को भी प्रेजेंटेशन तैयार करना है। ठीक ये आपका लास्ट है। ठीक है, स्टेप करके बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब हमें करना क्या, ऐसे ही एक स्लाइड तैयार करना है हमें। ठीक है, और स्लाइड तैयार करने के बाद इसमें ट्रांजेक्शन दिया गया है और एनिमेशन दिया गया है। ठीक है, तो कुछ इसी तरह से आप लोग को भी स्टेप बाय स्टेप करना है। अब वो टॉपिक क्या होना चाहिए, वो टॉपिक डिपेंड करता है आप पे कि आप किस टॉपिक पे प्रेजेंटेशन बना रहे हो। ठीक है, अब प्रेजेंटेशन बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप कहीं से टॉपिक आप लोग को दिया जाए, हम बना देंगे, हाँ ये टॉपिक है इसके आप बनाएंगे। हम आप लोग को प्रेजेंटेशन बनाने का आइडिया बताते हैं। ठीक है, कि कहाँ से हमें क्या चीज लेके कहाँ पे लगाना है, कैसे हमें स्लाइड तैयार करना है, स्लाइड को कैसे डिजाइनिंग करना है, स्लाइड में कोई इमेज वगैरह लगाना है तो कैसे लगाना है, कोई टेक्स्ट लिखना है तो कैसे लगाना है। ठीक है, टेक्स्ट कैसे लिखना है, इसमें ट्रांजेक्शन कैसे करना है और एनिमेशन कैसे देना है, ये सारी चीजें मिला के एक हमारा प्रेजेंटेशन बनता है। ठीक है, ठीक है, और ऐसे आप लोग को भी प्रेजेंटेशन बनाना है। और क्या है, टॉपिक आप लोग को डिसाइड करना है कि किस टॉपिक पे आपको बनाना है। वो टॉपिक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप एजुकेशन से रिलेटेड बना सकते हैं कि आज के डेट में एजुकेशन कितना महत्व, एजुकेशन का क्या महत्व है। ठीक है, उसके ऊपर बना सकते हैं, पॉल्यूशन के ऊपर बना सकते हैं, अपने फेवरेट लीडर के ऊपर, एक्टर्स के ऊपर बना सकते हैं, या सिंपल वे में समझो आप अपनी फैमिली के ऊपर बना सकते हो। ठीक है, अपने ऊपर भी बना सकते हैं, इसमें क्या है, अपने ऊपर बना लीजिए। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के बारे में बना सकते हैं, कॉलेज के बारे में बना सकते हैं, यहाँ का जो इंस्टीट्यूट है, जैसे इंस्टीट्यूट में आप लोग पढ़ रहे हो उसके बारे में बना सकते हो, यहाँ के आप लोग कौन सा कोर्स कर रहे हो उस कोर्स से रिलेटेड आप लोग बना सकते हो, अपने कॉलेज के कोर्स भी बना। अगर देखो तो दुनिया भर के टॉपिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें, आप कोई कंपनी में तो जॉब कर नहीं रहे हो कि कंपनी के अकॉर्डिंग आपको प्रेजेंटेशन दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग बना रहे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक टॉपिक डिसाइड करना है कि किस टॉपिक पे आपको प्रेजेंटेशन बनाना है। अगर कोई हेल्प की जरूरत होगी हम हेल्प करेंगे आप लोग का। ठीक है, इमेज वगैरह डाउनलोड करना है तो ये सब चीजें आप लोग जानते होंगे।
गूगल से जाके कैसे इमेज डाउनलोड करना है या किसी भी टॉपिक के बारे में अगर सर्च करना है तो हम क्या करेंगे, गूगल से जाके सर्च कर सकते हैं, उससे रिलेटेड आप लोग को प्रेजेंटेशन बनाना है, तो हो जाएगा ऐसे। चलिए अब ऐसे प्रेजेंटेशन कैसे बनाए जाते हैं उसी के बारे में हम आप लोग को बताना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको हम कर रहे हैं क्लोज और आते हैं अपने टॉपिक से, पावरपॉइंट। ठीक है, तो कल हम कुछ आप लोग को बताए थे और यहाँ पे हम फिर से चलते हैं और यहाँ पे जैसे हम आप लोग को कंपेरिजन लेके बता रहे हैं, ठीक है। हमने ब्लैंक स्लाइड पे बताया था आप लोग को टाइप वगैरह करके, ऐसे आप कंपेयर लेके कुछ कंपेयर करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने एक स्लाइड लिया और इसमें कुछ जैसे हम टाइप कर रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ, हाँ बोलिए, कोड्स हो गए थे। देखिए हमारा पूरा ये स्मॉल लेटर में भी हो गया था, हम कैपिटल कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, और अभी हमें क्या करना है, इसको हमें बोल्ड करना है, हम यहाँ से बोल्ड कर देंगे, आपको मालूम ही है। इसको हमें थोड़ा साइज बढ़ाना है, साइज बढ़ा देंगे। इसकी फॉन्ट स्टाइल बढ़ानी है, चेंज करनी है, तो आपको मालूम है यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लेंगे। इसको सेंटर में रखना है तो हम यहाँ से सेंटर कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में कंपेयर करके, या सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का क्या है, आप यहाँ पे उसके पार्ट्स के बारे में लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने किया दिया पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, तो हम यहाँ पे दे देते हैं सॉफ्टवेयर, इसको भी हम क्या करेंगे सेंटर में कर लेंगे, यहाँ पे हम दे देते हैं हार्डवेयर और इसको भी हम कर देते हैं सेंटर में, ठीक है। अब यहाँ पे हम देना चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे दे दे रहे हैं कीबोर्ड, माउस, ठीक है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, प्रिंटर और क्या जाएगा, रैम, जो भी आप देना चाहते हो। ये देखो ये जो स्लाइड हमने सिलेक्ट किया ना, इस स्लाइड में पॉइंट अपने आप आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे दिया होता है। अगर नहीं दिया है तो आप खुद भी एक लेके बना सकते हो, यहाँ से पॉइंट लगा सकते हो, बुलेट्स नंबर मालूम है ना आप लोगों को, वहां से लेके लगा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे मान लीजिए हम इसमें इतना ही रहने दे रहे हैं। सॉफ्टवेयर, ओ हमने यहाँ जो सॉफ्टवेयर वाला है, हार्डवेयर वाला पार्ट से वो हमने सॉफ्टवेयर में लिख दिया, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे ले जाके हम पेस्ट कर सकते हैं। एडिट है क्या, पेस्ट फॉर्म से मिल जाए, हमने क्या कर दिया है गलती से हार्डवेयर वाले पार्ट्स हमने सॉफ्टवेयर में लिख दिया। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर में हम क्या लिखेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर,
क्या क्या आता है जी? ठीक है, ऐसे ऐसे आप लोग लिखोगे। देखो जरूरी नहीं है कि एक एक का हेडिंग डाल के आप ऐसे, मतलब हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, ठीक है। तो हम कुछ टॉपिक्स यहाँ लिखना चाहते थे इसलिए लिख के बता दिया आपको, ठीक है। अब क्या करना, हमने सिंपली ये लिखा हुआ है, अब इसमें हमें कुछ कलर वगैरह लगाना है, कुछ डिजाइनिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्यूब टेबल का यूज करना है। देखो अब इसमें हमें कलर लगाना है, तो आप लोग को मालूम ही है कि हम यहाँ से फंट कलर ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से फंट का कलर ले लेंगे, यहाँ से आप जाके क्या कर सकते हो, टेक्स्ट कलर भी ले सकते हो। टेक्स्ट कलर का नहीं दे रहे थे, लेकिन हम यहाँ से ना लेके हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चले जाइए आप क्योंकि स्टाइल, ठीक है। यहाँ से भी आप स्टाइल वगैरह दे सकते हो कि यहाँ पे क्या आप कलर देना चाहते हैं। अगर आपको लग रहा है कि क्यूब स्टाइल में हमारा कलर बहुत बढ़िया नहीं आ रहा है, डार्क नहीं आ रहा है, तो आपके पास एक और भी ऑप्शन दिया है क्या, सेव फिल, ठीक है। अब सेव फिल में चले जाओ और यहाँ से भी आप कलर दे सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कुछ कलर देना है, तो फिर हम यहाँ क्यूब स्टाइल में चले जाएंगे, कुछ यहाँ पे इस तरह का कलर दे सकते हैं, यहाँ पे जाके इसका भी कलर हम ऐसे दे देंगे। फिर इसका हमें कलर देना है, तो हम यहाँ से भी कलर ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कलर अच्छा लग रहा है, अपने अकॉर्डिंग वो कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए अदर थीम्स फील्ड, ये थीम्स होता है, यहाँ पे अदर्स पे यहाँ पे चले जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लाइटली कलर है, यहाँ पे मिल जाता है आपका, तो यहाँ से भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो हो जाएगा आप लोग का ऐसे, ठीक है। चलिए अब हम इसमें चाहते हैं कि यहाँ से सेफ फील्ड में बाद में चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, या फिर डार्क कलर कुछ लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब जरूरी नहीं है कि आप केवल कलर ही लगाओ, हम चाहते हैं यहाँ पे कुछ इमेज लगा देना, जैसे बैकग्राउंड में इमेज वगैरह लगा होता है ना, तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे पिक्चर आ जाता है, ठीक है। अब पिक्चर में जाइए, और आपको कैसा पिक्चर, अगर आप कोई पिक्चर डाउनलोड करके रखे हो तो वहां से ले सकते हो, फ्रॉम ए फाइल, और फाइल में चले जाइए, आप कहाँ पे पिक्चर रखे हैं वहां पे चले जाइए, देखते हैं इसमें पिक्चर है भी कि नहीं। शायद हमें लग रहा है पिक्चर नहीं है, डेस्कटॉप कोई बैकग्राउंड पिक्चर नहीं है, मान लीजिए इनको ले लेते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो ऐसे पिक्चर लगा के भी आप लिख सकते हो, लेकिन पिक्चर लगाने का मतलब क्या है कि ये पिक्चर हमारा बहुत डार्क है, तो उस तरह से आप पिक्चर, मान लीजिए कि हमें लोगो ही लगाना है, हम कोई नोट्स तैयार कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें हमें अपने इंस्टीट्यूट का क्या करना है, इमेज लगाना है, लोगो लगाना है, तो भी हम कहाँ जाएंगे, इसी में सेफ फील्ड में जाएंगे। और यहाँ पे देखो आपको पिक्चर में नहीं जाना है, पिक्चर में जाओगे तो आप पिक्चर को छोटा बड़ा करते ही रह जाओगे, ठीक है। आपको सेफ फील्ड में जाके लेना ऐसे, ठीक है। तो ऐसे आप पिक्चर लगा सकते हो इसमें, और इसका आउटलाइन देना चाहते हो तो आप आउटलाइन कलर भी दे सकते हो। इससे पहले ये देख लो, अगर आप यहाँ पे ये कलर नहीं लेना चाहते हो, पिक्चर भी नहीं लेना चाहते हो, तो यहाँ ग्रेडियंट आ जाता है, और ग्रेडियंट पे क्लिक करके मोर ग्रेड, यहाँ से देखे अपने कलर को हल्का कर सकते हो। यहाँ पे देखिए लाइट कलर, लाइट वैलिडेशन कलर, डार्क वैलिडेशन, ठीक है। तो यहाँ लाइट वैलिडेशन का यूज कर सकते हो और डार्क वैलिडेशन का यूज कर सकते हो, या फिर मोर ग्रेडियंट में जाइए और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कलर ले लीजिए। यहाँ पे देखिए सॉलिड फिल है, सॉलिड फिल में भी वही कलर मिलेगा आपको डार्क, अगर आपको नहीं चाहिए तो ग्रेडियंट फिल में जाइए और यहाँ पे कुछ कलर बना सकते हैं। देखिए ग्रेडियंट में यहाँ पे आपको कलर मिलेगा, आप कौन सा कलर लेना चाहते हो, कुछ हल्के में लेना चाहते हो तो यहाँ से हल्का आप ले लो, फिर यहाँ पे आप कौन सा कलर लेना चाहते हो, मतलब कई सारे कलर का कॉम्बिनेशन करके आप बना सकते हो। ये देखिए तो ये बहुत डार्क हो गया ना, अब हमें येलो में ही हल्का लेना है, तो ये वाला ले लेंगे, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे क्लिक करेंगे और कोई और कलर बना लेंगे, यहाँ पे ये वाला कलर, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। कलर बनाना जानते हो आप लोग, बताया गया था ना, तो यहाँ से आप कलर बना के लगा लोगे, हो जाएगा ये, आगे चले ऐसे बना के आप लगा सकते हो। चलिए हमें यहाँ से नहीं चाहिए तो हम नो फिल कलर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपको और टेक्सचर वगैरह भी, मैं पिक्चर और टेक्सचर, यहाँ पे देखिए आपको पिक्चर एंड टेक्सचर मिल जाएगा। अब ये फिल से लेना चाहते हो, क्लिप आर्ट से लेना चाहते हो, या ऑनलाइन पिक्चर लेना चाहते हो, हम क्लिप आर्ट, ठीक है, क्लिप आर्ट में नहीं आ रहा, चलो ठीक है, ठीक है।
क्लिक बोर्ड में फिल से ही ले लो आप, अगर नहीं हो तो फिर यहाँ पे आप चले जाओ पैटर्न फिल। अब यहाँ देखो पैटर्न, आप कैसा पैटर्न लगाना चाहते हो आप यहाँ से पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक ये सारे ऑप्शन आप लोग जानते होंगे, है ना, पढ़े थे आप लोग? चलो पढ़े थे तो बढ़िया है, इसको बैक कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए और क्या बता रहे थे, इसमें सेप फिल में जाके और भी ऑप्शन आपको मिल जाता है ना, यहाँ टेक्सचर ऑप्शन यहाँ से भी लगा सकते हो। देखो कौन सा टेक्सचर चाहिए आपको, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे टेक्सचर का। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी लेके आप लगा सकते हो। चलिए ये भी आप लोग जानते हो, आउटलाइन। अब इसका आउटलाइन कलर आपको देना है, हम चाहते हैं ये जो है ना इसका आउटलाइन दे देना। आउटलाइन में जाएंगे और आउटलाइन में क्या आप लेना चाहते हो। ठीक है, मान लीजिए कि हम इसको रेड करना चाहते हैं, लेकिन अभी रेड दिखा रहा है क्या, नहीं दिखा रहा ना, हम क्या करेंगे यहाँ से जाके इसकी विड्थ थोड़ा, देखिए अभी दिखा रहा है, तो ऐसे आप आउटलाइन भी लगा सकते हैं। तो आउटलाइन में आप कौन सा आउटलाइन लेना चाहते हो ये भी आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। पहले तो आप यहाँ से विड्थ रख लो ताकि थोड़ा सा दिखे, और फिर आउटलाइन में भी आप डिजाइनिंग चेंज कर सकते हो यहाँ से, ये वाला आउट चाहते हो या ये वाला, कौन सा चाहते हो आप, इन सब का मतलब जो काम आप एमएस वर्ड में करते थे ना वो सारे काम आप यहाँ पे भी कर सकते हो। अगर नहीं चाहिए आउटलाइन तो आप यहाँ से जाके नो आउटलाइन कर दीजिए। ठीक है, और इसका जो कलर आप चेंज करना चाहते हो वो कर सकते हो यहाँ से जाके, फिर से मान लीजिए कि हमें यही कलर चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप सेप इफेक्ट कौन सा देना चाहते हो, यहाँ पे जाके देखिए कुछ इस तरह सा इफेक्ट देना चाहते हो, मतलब 3D टाइप में होता है। ठीक है, तो आप कौन सा इफेक्ट इसको रखना चाहते हो, ऐसे ऐसे या फिर ऐसे। ठीक है, जैसे भी आप रखना चाहते हैं वैसे रख सकते हो। ठीक है, या फिर आप शैडो वाला लेना चाहते हैं तो यहाँ पे शैडो ले लीजिए, इसका शैडो दिखेगा। शैडो ना लेके ये लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ले सकते हैं, ग्लो लेना चाहते हैं तो ग्लो। ठीक है, तो ये सारी इसकी फॉर्मेटिंग है, आप यहाँ पे इसका ऑप्शन भी मिल जाता है आपको का। अब यहाँ पे कलर अपने अकॉर्डिंग चेंज करके रख सकते हो, मतलब जो शैडो दिए हो ग्लो की हो उसका कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। दिख रहा है आप लोग को, यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हो जाएगा ना। इसका आउटलाइन ग्रीन हो गया क्या, नो आउटलाइन। ये ऑप्शन आप लोग समझ गए ड्राइंग का। चलिए अब यहाँ पे फाइंड रिप्लेस है, ये तो मालूम ही होगा आप लोग को, कोई दिक्कत फाइंड रिप्लेस में, कोई दिक्कत नहीं है ना हमें, क्या आपको स्लाइड बनाना सीखना है ना, तो ऐसे ऐसे स्लाइड बना लोगे आप लोग, या अभी कोई दिक्कत है आप लोग को, मान लीजिए ये स्लाइड नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे। अब देखिए ये जरूरी नहीं है कि आप ये जो स्लाइड हमने यहाँ से लिया है वो आप यहीं से लीजिए, आप खुद भी बना सकते हो, यहाँ पे जाओ और आप बॉक्स लेके एक बना सकते हो, ऐसा कंपेयर करने वाला आप खुद से भी ड्रा कर सकते हो। इंसर्ट में चले जाइए और इंसर्ट में आप लोग सेप ऑप्शन पढ़े हो, हाँ, तो यहाँ से भी लेके आप यहाँ पे देखिए ड्रैग कर लो और यहाँ पे भी लिख सकते हो, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में अंतर। ठीक है, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिख दिया सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब हम सॉफ्टवेयर का डिफिनेशन वगैरह कुछ लिखना चाहते हैं, चलिए इसको पहले हम फॉन्ट का सेटल कर लें, यहाँ पे हम जाके होम टैग में इसकी साइज जितना रखना चाहते हैं हम रख लेंगे। ठीक है, यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, आप लोग को मालूम ही है, यहाँ से भी हम कलर दे सकते हैं। ठीक है, अब इसका कलर मान लीजिए कि हमने यहाँ से दिया, अब ये जो कुछ ज्यादा ही डार्क दिख रहा है क्या ये, अब ये जो बॉक्स हमने लिया है ना आप चाहते हो कि ये बॉक्स भी कलर हो जाए, तो इस बॉक्स को सेलेक्ट करो, फॉर्मेट में जाओ और देखो वही ऑप्शन फिर यहाँ पे आ गया सेव। अब यहाँ पे एक चीज और देखो आप लोग होम टैब में, क्यों ये भी आपका ऑप्शन खुला है, जरूरी नहीं है कि आप इसके फॉर्मेट में ही जाके कलर करो, आप यहाँ क्यूब स्टाइल से भी ले सकते हैं देखिए। ठीक है, तो यहाँ से भी आप इसका कलर दे सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं ये हम बॉक्स में नहीं लिखना चाहते तो हम क्या करेंगे, इस बॉक्स को आप हाइड भी कर सकते हो, कैसे, इस बॉक्स को सेलेक्ट करो, फॉर्मेट में जाओ और यहाँ से जाके आप नो फिल कलर कर दो। ठीक है, और यहाँ से जाके नो आउटलाइन कर दो, देखो अभी दिख रहा है क्या,
लेकिन ये जो कलर है ना हमारा टेक्स्ट है, ये बहुत ज्यादा क्या है, ब्राइटनेस इसका ज्यादा दिख रहा है, तो हम जाके इसका कलर चेंज कर देंगे। ये बॉक्स का हो रहा है क्या, शेप का हो रहा है, टेक्स्ट का यहाँ से करते हैं। देखिए ठीक है, तो आप कौन सा कलर लेना चाहते हो, आप यहाँ से भी ले सकते हो, या फिर क्या कोई और कलर ले लेते हैं, कलर हमें समझ में नहीं आता है ज्यादा। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसका डिफिनेशन वगैरह लिखना चाहते हैं तो हम जाके लिख सकते हैं, या फिर इसको फिर से हम बॉक्स वगैरह में कर सकते हैं। देखिए हमें बॉक्स के बाहर हम आ गए, और यहाँ पे अगर हम चाहें तो जाके सॉफ्टवेयर सर्च करके हम लिख सकते हैं, इसमें टाइप खोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर का डिफिनेशन है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, हम चाहें तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे, या फिर और भी कुछ अगर आप सर्च करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, यहाँ से इसको कॉपी करो और फिर अपने पावर पॉइंट के स्लाइड पे जाके यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हो। हाँ एक चीज और, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट नहीं लिखेगा, ये बात हम कल ही आप लोग को बताए थे कि यहाँ पे डायरेक्ट आपका कर्सर नहीं आएगा, तो फिर आपको जाके शेप में और यहाँ पे बॉक्स लेना पड़ेगा ऐसा, या फिर आप यहाँ टेक्स्ट बॉक्स का यूज कर ठीक है, और यहाँ पे आप इसको कर दो पेस्ट। देखिए आ गया, ठीक है, अब क्या इसको अपने अकॉर्डिंग जहां लगाना चाहते हो वहां पे लगा लो, फिर यहाँ पे जाके आप इसमें कलर फिल कर दो, जो भी कलर आप देना चाहते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह का। अब क्या करना है, फिर से हमें एक हार्डवेयर भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ शेप में जाएंगे, यहीं पे आपका आ गया, फिर इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ पे हम एक टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं। देखना जो पहले बनाए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम फिर से बना रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप वहीं से ले। ठीक है, अब हम फिर कहाँ जाएंगे, प्रोमो में, और यहाँ पे जाके हम कर देंगे हार्डवेयर। व्हाट इज हार्डवेयर, हमने टाइप किया क्या हुआ, पूरा डिस्टर्ब हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका हार्डवेयर से रिलेटेड आ गया। ठीक है, अब इसको भी आप कॉपी करके और सेम अपने फाइल में एज इट इज ऐसे ही जाके आप यहाँ पे कर्सर रखिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ये देखिए आ गया, अब यह हमारा हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग ज्यादा लंबा है, तो आप इसको सेटिंग कर सकते हैं बॉक्स को कुछ इस तरह से बना के। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है किसी को, बन जाएगा ऐसे, बनाने की कोशिश करो, एक अच्छा सा नोट से ऐसे आपका तैयार हो जाएगा। अब इसमें भी कलर फिल करना है तो हम यहीं पे चले जाएंगे क्यूब एक्सेस टूल बार में, और जो कलर हमने वहां पे दिया है वही हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, हम चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर बॉक्स की प्रॉब्लम है छोटा बड़ा, तो आप जितना वहां पे लिखे हो इतना यहाँ पे भी आप उसके अकॉर्डिंग बॉक्स कर सकते हो। चलिए इसमें इतना ही लिखे हैं इसलिए ऐसे दिखा रहे हैं। ठीक है, तो आप जितना जरूरत है उतना ही लोगे ना। अब क्या करना है, यहाँ पे भी आप अगर बॉक्स जो हमने हाइड कर दिया उसको लाना है, तो आप जाके सिंपली यहाँ पे क्या कर दो, कलर फिल कर दो, तो ये आ जाता है आपका, देखिए। ठीक है, अब ये बॉक्स इसके ऊपर चला गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे कर देंगे हम चाहे तो ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमें कोई इमेज लगाना है तो हम इमेज वगैरह भी लगा सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, और यहाँ पे हम एक कौन सा स्लाइड ले लें। ठीक है, अब देखो ये बीच में आया, अब बीच में क्यों आया, जो स्लाइड आप सेलेक्ट की हो जहां पे सेलेक्ट करोगे वहीं पे आएगा। ठीक है, तो हमने ऊपर क्या है, कौन सा स्लाइड सेलेक्ट किया था, कर्सर हमारा कहाँ था, एक बार और देखो,
हो सकता है हमने बीच में कर्सर रखा हो इसलिए बीच में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, कुछ टाइटल वगैरह लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे जीआईटी कंप्यूटर। और इसको हम कर देंगे बोल्ड, इसको कर देंगे सेंटर में, इसकी हम फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लेंगे जो भी अपने को चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एक इमेज लगाना चाहते हैं हम, ठीक है, जीआईटी का लोगो लगाना चाहते हैं या फिर किसी भी चीज का आप यहाँ पे लोगो लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। अब देखते हैं हम जीआईटी का लोगो हमारे पास है कि नहीं, अगर नहीं है तो वो भी हम डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, यहाँ इंसर्ट में जाके पिक्चर में जाएंगे और यहाँ पे जीआईटी का लोगो डेस्कटॉप पे है, नहीं कहाँ है, कहाँ है, ये रहा, ठीक है। और इसको हम इंसर्ट करते हैं, ये देखिए आ गया हमारा। अब इसको आप चाहो तो जैसे लिखना चाहते हो वैसे लिख लो, सॉरी इसे छोटा और बड़ा कर सकते हो। अब ये इमेज हमारा लग गया, अब इस इमेज का स्टाइल आप चेंज करना चाहते हो, ठीक है, आप चाहते हो कि इसको थोड़ा सा स्टाइलिश बनाया जाए, तो इसके लिए आपको यहाँ पे पिक्चर स्लाइड दिया हुआ है, ठीक है। इस पिक्चर स्लाइड में जाके आप इसको चेंज कर सकते हो, कैसे आप इसका बॉर्डर स्टाइल देना चाहते हो, इसका शेप कैसा देना चाहते हो, आप यहाँ से जाके रख सकते हो, कुछ इस तरह से रख सकते हो या फिर ऐसे रखना है, ऐसे रखना है या फिर ऐसे रखना है, ठीक है। आप लोग मेरे प्रेजेंटेशन पे अगर ध्यान दिए होगे तो जो हमारा पहला स्लाइड है उस पहले स्लाइड पे ही हमने ये जीआईटी का लोगो लगाया हुआ है, ठीक है। तो वैसा अगर आपको बनाना है तो आप यहाँ से जो भी चाहें वो ले लीजिए। मान लीजिए कि हमने ये वाला रखा, ठीक है, अब ये तो हमने रख लिया, अब इसमें हमें बैकग्राउंड वगैरह रिमूव करना है तो हम यहाँ से जाके बैकग्राउंड, ये सब चीजें आप लोग पढ़े हो ना, बैकग्राउंड रिमूव कर लोगे, यहाँ से आप बैकग्राउंड रिमूव करो। देखो जो पिक्चर हम डाउनलोड करते हैं उसको हम बीजी रिमूवल में भी जाके रिमूव कर सकते हैं, वहां से जानते हो ऑप्शन, यहाँ से आपका बहुत सही तो नहीं हो पाएगा लेकिन इसमें बैकग्राउंड है भी नहीं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलता है, आप कहाँ से कितना करना चाहते हो, मान लो कि हम फिर यहाँ से ऐसे करना चाहते हैं, कुछ चेंज नजर आया आप लोगों को, हमारा नीचे का कट गया, ठीक है। तो ऐसे आप करके कर सकते हो, उसको हम कट कर दिए वहां से, ठीक है। यहाँ से हमारा बैकग्राउंड रिमूव आप लोग जानते हो कि कर लेना एक बार, ठीक है, क्योंकि मैं इसका यूज बहुत ज्यादा नहीं करती हूँ। चलो एक चीज और बता देते हैं, अलग से आप लोग को रिमूव करना बैकग्राउंड, भैया बैक नहीं होगा क्या, देखो अगर कोई इमेज हम डाउनलोड करते हैं तो उसका बैकग्राउंड रिमूव करना बीजी रिमूवर से नहीं जानते हो आप लोग, चलिए ठीक है बता देते हैं, क्योंकि आप लोग को इसमें इमेज डाउनलोड करने की जरूरत पड़ेगी, जिस भी टॉपिक पे आप बनाना चाहते हो उस टॉपिक पे क्या करना होगा, आप लोग को इमेज वगैरह लगाना होगा, तो इसके लिए देख लीजिए। मान लीजिए हमें यहाँ पे किसी चीज का इमेज चाहिए, कंप्यूटर का ले लें, चलो चलो कंप्यूटर, ठीक है। और यहाँ पे हम यहाँ पे इमेज जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर का इमेज आ गया, ठीक है। और हम क्या करना चाहते हैं, कोई एक कंप्यूटर, क्या है, क्या बात कर रहे हो, कौन सा कंप्यूटर चाहिए आपको, ये अच्छा ये काउंटर वाला, चलो चलो ठीक है यही लेके दिखा देते हैं। क्या करना है आपको, राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद क्या करते हैं हम, सेव एज, सेव इमेज एज, ठीक है। अब इसका हम कहाँ पे रखना चाहते हैं बात मत करिए, आप
ठीक है, कंप्यूटर, और इसको हम रखते हैं डेस्कटॉप पे ताकि हमारा इजिली मिल जाए, और इसको हम कर देते हैं सेव। ठीक है, क्या हो बताइए? ठीक है, अभी ये हमने इसको किया मिनिमाइज, और एक नेक्स्ट स्लाइड हम ले रहे हैं आप लोगों के लिए, होम टैब में जाके, और यहाँ पे एक नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अब यहाँ पे हम उस इमेज को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, आप फिर से इंसर्ट में जाएंगे, और डेस्कटॉप पे रखे थे ना, यही है ना हमारा। अब इसको देखिए, अगर हम इंसर्ट कर रहा है तो ये इमेज कुछ इस तरह से आ रहा है, इसका बैकग्राउंड तो नहीं आ रहा है, इसमें बैकग्राउंड नहीं है। किसमें? ये ले ले रहा है, इसमें बैकग्राउंड है ना, हम इसी को राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव इमेज, कॉपी भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, हम सेव इमेज करेंगे, ठीक है, और इसको भी हम क्या करें डेस्कटॉप पे, इसको हमने किया डिलीट, पिक्चर ये देखिए। ठीक है, अब हम चाहते हैं इसका ये बैकग्राउंड ना आए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से यहीं पे क्रोमो में जाएंगे और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे बीजी रिमूवल। ये देखिए नीचे आपका आ गया बीजी रिमूवल। ठीक है, ठीक है, और आप लोग ध्यान नहीं दिए, क्या करना है, जब आप लोग यहाँ पे बीजी रिमूवल करोगे तो वहां पे हेडिंग बन के आएगा। ठीक है, उस पर क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए अपलोड इमेज, इस पर क्लिक करिए, और आपका कौन सा इमेज है जिसका आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं, कौन सा है, ये वाला, ये देखिए यहाँ पे आपका बैकग्राउंड रिमूव हो गया, बैकग्राउंड रिमूव। अब हमें क्या करना है, एडिट पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे सेव इमेज एज, ठीक है, अब जिस नाम से आप सेव करना चाहते हो, ये लास्ट में ले लेता है रिमूव। ठीक है, हम डेस्कटॉप पे ही सेव करते हैं। ठीक है, अब इसको करते हैं हम मिनिमाइज, इसको करते हैं डिलीट, और यहाँ पे जाके आप पिक्चर में चले जाओ, और यहाँ पे देखो आप उनका कहाँ पे आया है, ये देखिए ये है ना, अब यहाँ पे ये जो पिक्चर है ना, इस पिक्चर का बैकग्राउंड पूरी तरह से हट गया। ठीक है, तो जो चीज आप गूगल से डाउनलोड कर रहे हो वहीं पे जाके उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। ठीक है, देखो आपका वो चीज यहाँ पे इंसर्ट में मिला है, रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है, लेकिन वो उसका यूज मैं तो बहुत ज्यादा नहीं करती हूँ, आप लोग देखो अगर कर सकते हो तो यहाँ से जाके कर लो। ठीक है, कुछ इस तरह से आएगा, ये क्रॉप को करेक्ट करना होता है, यहाँ से भी बैकग्राउंड रिमूव किया जा सकता है, यहाँ पे डिलीट मार्क कर देना, जो मार्क करोगे वो डिलीट कर देना। ठीक है, और टिप चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है, एक बार कोशिश करना, नहीं हुआ तो हम फिर कल और बढ़िया से आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि उसमें मुझे भी डाउट है, अगर हम पूरा क्लियर वो करके बताएं तो सही से नहीं बता पाएंगे, तो आप लोगों को दिक्कत होगा। ठीक है, तो कल हम इसको क्लियर करके आपको बताएंगे, क्योंकि ये जो बीजी रिमूवल होता है ना, यहाँ से इसका यूज हम बहुत ज्यादा करते नहीं है। ठीक है, बीजी रिमूवल प्रोमो पे अगर करना है ना, बीजी रिमूवल डालोगे तो आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आज आप लोग ये समझ में आया आप लोग को ये चीजें, एक चीज और, यहाँ पे आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ गया, यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो आपका कंप्रेस पिक्चर में क्या होता है, आप इस पिक्चर का जाके साइज वगैरह कम कर सकते हो। ठीक है, जैसे इस पिक्चर का साइज कुछ और दिया है और हम कुछ और करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जाके इसको डेस्कटॉप पे पता करने पड़ेंगे कि इसका साइज वगैरह कितना है। बात मत करिए आप लोग, बात मत करिए, जैसे यहाँ पे अगर राइट क्लिक करोगे ना, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाओगे, तो इस पिक्चर का पूरा साइज यहाँ पे दिखाता है कितना है, 948, 948 है ना। अब चलिए हम इसको हटाते हैं और फिर यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, और इसका हम क्या करते हैं, यहाँ से जाके और क्या करोगे आप,
इसको हटा दो और यहाँ पे ठीक है, यहाँ से जाके हम चेंज कर लेते हैं और फिर इसको सेव करके जाके वहां पे देखोगे तो साइज कम हो गया होता है। ठीक है, यहाँ से तब आपको करने की जरूरत है, नहीं तो सिंपली आप यहाँ से भी छोटा कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे दिया चेंज पिक्चर। चेंज पिक्चर क्या होता है मालूम है आप लोगों को? क्या होता है चेंज पिक्चर? इसी को चेंज कर देगा। यहाँ पे देखिए, हमने इसको कलर दिया और यहाँ पे इफेक्ट दे दिया कुछ। इफेक्ट कौन सा दे दिया? हम ये वाला इफेक्ट दे दिया। ठीक है, और इसमें पिक्चर का लेआउट वगैरह चलिए यहाँ नहीं देंगे। ठीक है, हमने ऐसा कुछ बनाया और अब हम चाहते हैं इस पिक्चर को ये चेंज कर क्या है, ये सारा हमारा इफेक्ट ऐसे ही रहे, केवल हमारा क्या हो पिक्चर चेंज हो जाए। तो यहाँ पे हम चेंज पिक्चर पे जाएंगे और यहाँ फॉर्मेट फाइल में जाएंगे और यहाँ से आप उसकी जगह पे कौन सा इमेज लेना चाहते हो। चलो हम ये ले लेते हैं। ये देखो हमारा क्या है, सारा हमारा इफेक्ट तो ऐसे ही है, जो भी हमने फॉर्मेटिंग किया है, हमारा क्या चेंज हो गया है, केवल इमेज चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये चीज होता है। अब यहाँ पे एक चीज और देख लो आप लोग को, इंसर्ट में ही क्या हुआ, बात क्यों कर रहे हैं आप लोग, बात मत करिए आप लोग। चलिए यहाँ पे ये ऊपर नहीं, यहाँ पे देखिए कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और ये टेक्स्ट का डायरेक्शन होता है कि आप टेक्स्ट डायरेक्शन कैसे लिखना चाहते हैं। देखिए जो आप सेलेक्ट किया हो उसमें आपका इफेक्ट दिखा रहा होगा। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। टेक्स्ट अलाइनमेंट कहाँ पे आप रखना है, बात मत करिए आप लोग, बात क्यों कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, यहाँ पे अलाइनमेंट देता है कि आप कैसे लिखना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन देता है कि जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और जो हमने प्रेजेंटेशन दिखाया ना उसमें ज्यादातर इन्हीं सब का यूज किए हैं। ये देखिए आप यहाँ से जो भी लिख लिए हो, आप टेक्स्ट लिख लिए हो, उस टेक्स्ट को आप कैसे कन्वर्ट करना चाहते हो। आप लोग स्मार्ट आर्ट पढ़े होंगे, आप पढ़े हैं ना आप लोग, इन शॉर्ट में देता है, तो आप यहाँ से जाके इसका यूज कर सकते हो। हाँ, कुछ इस तरह का। ठीक है, तो इसके बारे में एक बार और हम कल बता देंगे आप लोग को, कोई डाउट अगर आप लोग करके देखिएगा, नहीं हुआ तो हम अलग से कुछ टाइप करके तब यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, आज हम आप लोग को यही बताए हैं ड्राइंग वगैरह इसका यूज सीख लेना, और प्लस फॉर्मेट में जाके आप लोग कोई इमेज लिए हो तो उस इमेज का फॉर्मेटिंग कैसे करोगे यहाँ पे जाके आप लोग सीखे। ठीक है, अब इसका आउटलाइन वगैरह नहीं चाहिए तो आप जाके क्या करोगे, पिक्चर में जाके इसका नो आउटलाइन कर दोगे। ठीक है, चलिए हम इसको चेंज ही कर लेते हैं, जो हमारा पहले लोगो था वही आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, हमें सब हमने हटा दिया, नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पिक्चर इफेक्ट में जाके और यहाँ पे नॉर्मल कर लेते हैं। इफेक्ट कहाँ कर दिए थे, ग्लो में ना, यहाँ से आप हटा सकते हो। ठीक है, और दूसरा हमने पिक्चर का बॉर्डर दिया था तो यहाँ पे नो आउटलाइन हट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम कल आप लोग को ये बता देंगे, प्रिंट टू फॉरवर्ड वगैरह जानते हो ना, ये सारी चीजें आप लोग होम टाइम में पढ़ रहे, वर्ड में पढ़े हो। ठीक है, चलो कोई डाउट होगा तो हम कल फिर से बताएंगे इसको। यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, अब ये सारा स्लाइड हमने इधर उधर लिखा है। ठीक है, मतलब हम चाहते हैं कि ये जो हमारा GIT कंप्यूटर वाला है ये स्लाइड हमारा फर्स्ट पे आ जाए। ठीक है, तो फर्स्ट पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहीं से हम उठा के इसको ऊपर रख सकते हैं सबसे। ठीक है, देखिए मतलब किसी भी स्लाइड को उठा के कहीं पे भी आप रख सकते हो। ठीक है, इसको उठा के ऊपर रखना चाहते हैं इसको रख सकते हो। अब इसमें एक फायदा और है, क्या अगर हम चाहें यहाँ पे सेकंड वाले स्लाइड को डिलीट कर देना, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 दिखा रहा है ना, अब हम अगर सेकंड वाले स्लाइड को डिलीट कर देंगे तो ये हमारा नंबर भी चला जाएगा, तो फर्स्ट के बाद 3 दिखाएगा ना, तो हमें दिक्कत होगा ना कि क्या है? कोई बोलेगा कि हमारा सेकंड वाला स्लाइड कहाँ गया, बट पावर पॉइंट में ऐसा नहीं होता है। आप ये देखो ये स्लाइड हम डिलीट कर रहे हैं तो क्या हुआ, हमारा नंबर तो उसी फॉर्मेट में लिया ना, फर्स्ट के बाद सेकंड आ गया, मतलब जो सेकंड वाला स्लाइड था वो तो डिलीट हो गया लेकिन हमारा ये नंबर नहीं डिलीट हुआ। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो फिर इसको ला सकते। ठीक है, तो अगर मान लो आप कोई स्लाइड बना रहे हो, उस स्लाइड में बहुत सारे स्लाइड हैं जो क्या है, आपका बीच का कोई स्लाइड खराब हो गया है, उसे आप डिलीट करना चाहते हो, तो आप ये सोच रहे हो कि ये नंबर भी हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा, तो ऐसा कुछ होता नहीं है इसमें। ठीक है, आप डिलीट करोगे फिर वो नीचे से नंबर वही ले लेगा। अब जैसे हमने यहाँ
आपको देखो यहाँ पे फोर्थ स्लाइड दिया है ना, अब जैसे ही इसको डिलीट कर रहे हैं हमारा नीचे से एक कम हो गया है ना, जो फोर्थ पे बात फोर्थ पे था वो थ्री पे आ गया, मतलब ये नीचे से डिलीट करता है, ठीक है। तो ये चीज होता है इसमें, क्या है, कंट्रोल चार्ट। अभी बताइए इसमें कोई डाउट है अभी तक जो मैंने बताया है? क्लास समझ में आया है आज का? आगे कुछ बता दें, ज्यादा नहीं हो रहा है? रहने दे, पढ़ा भी दे, नहीं भी, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, ओवर नहीं करेंगे, इसलिए तो हम थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, ठीक है। वरना जब मैं पढ़ाती हूँ ना पावर पॉइंट, तो पावर पॉइंट का क्लास मेरा 2 से 3 दिन रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ के जो बच्चे थोड़ा सा स्लो पढ़ते हैं इसलिए मैं भी स्लो पढ़ा रही हूँ, ठीक है। नहीं तो ये जो पावर पॉइंट है ना, मैं 2 से 3 दिन में मैक्सिमम जाएगा तो 4 दिन में खत्म कर देती हूँ, ठीक है। क्योंकि इसमें आधा चीज ऐसा होता है जो आप वर्ड और एक्सेल में पढ़ चुके होते हैं, ठीक है। आप लोग को जो इसमें नया एक्स्ट्रा दिया होता है उसी को बस पढ़ना होता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम स्लो लेके चलेंगे, हम 2-3 दिन में ना खत्म करके 1 हफ्ता या 2 हफ्ते में खत्म कर देंगे। आप इसमें क्या चीज इतना लंबा लंबा भी नहीं करना है? अच्छा, मतलब स्लो भी पढ़ना है और ज्यादा लंबा ज्यादा दिनों तक भी नहीं पढ़ना है। चलिए ठीक है, 1 हफ्ता में हम खत्म कर, आप जितने दिन में बोलोगे उतने दिन में हम खत्म कर देंगे। स्पीड पे मत जाओ, मैं बहुत फास्ट पढ़ाती हूँ। चलो ठीक है, 1 हफ्ते में हम खत्म कर देंगे, ठीक है। अभी इसमें हमने बहुत सारी चीजें बता दिया कलर वगैरह करने का, अभी आपको कल हम डिजाइन मेनू के बारे में पढ़ाएंगे। इंसर्ट में लगभग आप लोग जान गए हो, थोड़ा बहुत जो बचा है वो मैं बता दूंगी, जो आप लोग वर्ड में नहीं पढ़ा वही ऑप्शन बताएंगे, ठीक है। इसके बाद डिजाइन मेनू में इन सबको बताने के बाद ट्रांजेक्शन और क्या है एनिमेशन, मतलब क्या है, 1-2 दिन इसमें लगेगा, 1 दिन डिजाइन में लगेगा, 2 दिन ट्रांजेक्शन और 2 दिन एनिमेशन, ठीक है। और नहीं तो हम 1-1 दिन में करके खत्म कर देंगे। उसके बाद स्लाइड शो रिव्यू एंड व्यू 1-1 दिन लगेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर इसको आप क्या है पूरा फुल स्क्रीन करके देखना चाहते हो तो क्या करोगे बताइए, शॉर्ट की F5, ठीक है। अब ये F5 देखिए पूरे स्क्रीन पे आप लोग का दिखा, हमने इसमें कोई आप लोग का एनिमेशन वगैरह नहीं दिया है, कोई टाइमिंग सेट नहीं किया है, इसलिए आपको इसे माउस से क्लिक करके 1-1 देखना पड़ेगा या फिर अपने कीबोर्ड में एंटर की प्रेस करके 1-1 देखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, इसमें टाइम ही सेट होता है, ठीक है, वो चीज आगे है आप लोग का एनिमेशन में, वही चीज सीखना आप, ठीक है। बैक आना है तो आप बैक स्पेस का की देखो, हम एंटर की आगे गया, पीछे वाले स्लाइड पे जाना है तो बैक स्पेस का यूज करिए आप। देखिए पूरी स्लाइड से बाहर जाना है तो एस्केप बटन का यूज करिए, समझ में आया? पूरे स्लाइड को प्ले करके देखने के लिए F5 बटन प्रेस करिए। अब ये F5 किसी किसी कंप्यूटर में फंक्शन की द्वारा लेता है, अगर आप अपने लैपटॉप में करोगे तो ज्यादातर फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। अभी मैं जिस पे यूज कर रही हूँ इसमें भी फंक्शन की या फिर डायरेक्ट F5 भी कर सकती हूँ, ठीक है। किसी किसी ने बिना F5 क्या है फंक्शन की का लेता है, ठीक है, तो वो आप लोग ध्यान देना। अब स्लाइड में आगे आपको स्लाइड मतलब दूसरा स्लाइड देखना है तो नेक्स्ट करोगे यानी एंटर की का यूज करोगे या फिर इसी स्लाइड पे माउस से क्लिक कर दोगे, माउस से क्लिक करोगे तभी ये दूसरा स्लाइड आ जाएगा। अगर हमें बैक जाना है तो क्या करेंगे, बैक स्पेस का यूज करेंगे, बैक बटन का, ठीक है, मतलब पीछे की तरफ जाने के लिए बैक बटन का। और पूरे स्लाइड से बाहर निकलने के लिए आपके कीबोर्ड में एस्केप बटन का यूज दिया, ठीक है, आप कर सकते हो। चलिए ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।